स्टार्ट ले लेते हैं। देखिए कल की क्लास में हम हल्का सा आइडिया लिया था एनपीवी का और थोड़ी बहुत उसकी इंटरप्रिटेशन सीखी थी कि हर तरह की कॉस्ट रिकवर करने के बाद अगर पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो उसकी इंटरप्रिटेशन ये थी कि आपने हर तरह की कॉस्ट क्या की है, रिकवर कर ली, स्टिल आपको क्या हो रहा है, बेनिफिट। अगर हर तरह की कॉस्ट रिकवर करने के बाद स्टिल बेनिफिट हो रहा है तो हमें प्रोजेक्ट में क्या करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम इंशाल्लाह एनपीवी के प्रिंसिपल्स पे बात करेंगे और फिर थोड़ा सा आपको आइडिया होगा, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा आइडिया होगा कि आईकेएफ ने क्यों सीएमए को पहले रखा, एमएफए को बाद में रखा। हालांकि ज़रूरत नहीं है लेकिन एक ही रीज़न है जो शायद आईकेएफ के दिमाग में आ गई थी, आई डोंट नो क्यों। इसे प्लीज़ सब लोग ज़रा अटेम्प्ट करके दिखाएं मुझे। इनिशियल इन्वेस्टमेंट लेट्स से 200,000 प्रोजेक्ट की लाइफ 4 इयर्स है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%, T1, T2, T3 एंड T4, सेल्स 150,000, 180, 275, 320, variable cost 30% of sales, additional fixed cost 50,000, let's say 50, 60 and 60. Required simply NPV निकालनी है, net present value। तो जैसे भी आपको समझ में आता है आप इसको अटेम्प्ट करें, फिर मिलके भी सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। इनिशियल इन्वेस्टमेंट का हमें मालूम है T0 पे आउटफ्लो आएगा, सेल्स गिवन है, उसका 30% लेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी, एडिशनल फिक्स कॉस्ट गिवन है तो माइनस करेंगे, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट भी माइनस होगी और एडिशनल फिक्स कॉस्ट भी माइनस होगी। जुड़ा कोई आंसर है, पॉजिटिव नेगेटिव? देखते हैं जी। सबसे पहले हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट का आउटफ्लो ले लेंगे। जी पॉजिटिव 124,373। एक बच्चा कह रहा है आवाज ही नहीं आ रही। सही है। सेल्स 150, 180। $275,320। वेरिएबल कॉस्ट जीरो 12। क्या रहा जी, हम देख सकते हैं एनपीवी पॉजिटिव है, तो हम कहेंगे भाई एनपीवी पॉजिटिव है तो प्रोजेक्ट फाइनेंशियली क्या एक्सेप्टेबल है। इसको एक्सेप्ट करने से शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ेगी, बेनिफिट हो रहा है। अच्छा, एक हल्का सा आइडिया हो गया हमें कि यार जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, एनपीवी की बात करेंगे, तो यार इनिशियली कोई इन्वेस्टमेंट हो रही होगी, कुछ इनफ्लोस होंगे लेकिन कुछ आउटफ्लोस भी होंगे। अब ऑब्वियसली जब हम एनपीवी कैलकुलेट करते हैं ना, तो एनपीवी के अपने प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स हैं। ऐसा नहीं है कि बस हमने सवाल उठाया और चल भाई इनफ्लो आउटफ्लो आ गया, ऐसा नहीं होता। जो इनफ्लोस आउटफ्लोस लिखे हैं इसके पीछे कोई लॉजिक। तो अब हम आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करते हैं कि यार एनपीवी कैलकुलेट करने के रूल्स क्या हैं या उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं। अब एक बहुत बड़ा सा क्वेश्चन गिवन है, क्या मैं सारे इनफ्लोस ले लूँ, सारे आउटफ्लोस ले लूँ, या मुझे देखना पड़ेगा उस प्रोजेक्ट से क्या रिलेट करता है वो लेना चाहिए लॉजिकली। देखें, कोई ऐसी चीज़ जिसका प्रोजेक्ट से कोई लिंक ही नहीं है, इस बेसिस पे थोड़ी उसको ले लेंगे कि यार वो इनफ्लो या आउटफ्लो। हम वही इनफ्लोस देंगे, वही आउटफ्लोस देंगे जो किससे रिलेट करते हैं, प्रोजेक्ट से रिलेट करते हैं। ये बात क्लियर होगी। अपने पास एक हेडिंग दे दें सारे बच्चे, रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग एनपीवी। टाइम आ गया, हम रूल्स की बात करें, प्रिंसिपल्स की बात करें। भाई एनपीवी निकालने के कोई असूल होने चाहिए, कोई प्रिंसिपल। ये थोड़ी बस आपने कहा इनफ्लो आउटफ्लो, चल भाई एनपीवी। तो आप जरा बात करते हैं यार एनपीवी कैलकुलेट करनी है तो इसके कुछ रूल्स होने चाहिए, और हैं। बच्चे उसी रूल में गड़बड़ भी कर रहे हो। बेटा इसका जो पहला प्रिंसिपल है एनपीवी का, सिर्फ मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है पहले पॉइंट की वजह से, आईकैप ने सीएमए को पहले रखा है, एमएफए को बाद में। हालांकि एक ही तो पॉइंट है, बच्चा पढ़ लेता, क्योंकि जब पहली दफ़ा एमएफए इंट्रोड्यूस हुआ था तब ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन थी नहीं, और बच्चों ने पहले एमएफए पास किया, बाद में कॉस्टिंग। लेकिन एनपीवी का पहला रूल आईकेएफ की नज़र पड़ गई, बोले ये क्या हो रहा है, एमए पहले देखते हैं वो क्या। तो इसका जो पहला पॉइंट है वो ये कहता है जब आप एनपीवी कैलकुलेट करोगे, क्या एनपीवी, तो आप सिर्फ और सिर्फ रेलिवेंट कैश फ्लोज को कंसीडर करो। ये जो इसका पहला पॉइंट है ना ओनली, रेलेवेंट कैश फ्लोस आर कंसीडर। वैसे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब सारी डिस्कशन इस रेलेवेंट के ऊपर ही होगी कि कौन सा कैश फ्लो रेलेवेंट है और कौन सा रेलेवेंट नहीं है। एनपीवी निकालनी है, सिर्फ फोकस करेंगे एक ही चीज पे यार, वो सारे कैश फ्लोस ले लें जो बेसिकली क्या है रेलेवेंट। अब जरा इस रेलेवेंट के प्रिंसिपल समझने वन बाय वन करके। पहली चीज जो फ्यूचर कॉस्ट, कौन सी, जो पैसा फ्यूचर में लगेगा वो रेलेवेंट, वो बेनिफिट जो फ्यूचर में आप अर्न करेंगे फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट वो आपके लिए क्या है रेलेवेंट। यानी कि फ्यूचर की कॉस्ट और फ्यूचर के जो बेनिफिट्स हैं, ऑब्वियसली फ्यूचर की कॉस्ट रिलेटिंग टू क्या प्रोजेक्ट रेलेवेंट है, फ्यूचर के बेनिफिट जो किससे रिलेट कर, भाई सेल कौन सी सेल लोगे जो इस प्रोजेक्ट की वजह से होगी, यस या नो, कोई और सेल थोड़ी लेंगे आप। इट मीन्स फ्यूचर कॉस्ट एंड फ्यूचर बेनिफिट ये हमारे लिए क्या है भाई रेलेवेंट। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बात और क्लियर होगी इंशाल्लाह। सर चाहे फ्यूचर की कॉस्ट हो या फ्यूचर का बेनिफिट हो, वो एसोसिएट किसके साथ होना चाहिए, उसी प्रोजेक्ट के साथ जिसके ऊपर हम काम करें, किसी और करें। फिर उससे भी बड़ा पॉइंट, चाहे इनफ्लो हो या आउटफ्लो, चाहे इनफ्लो या यार बस वो प्रोजेक्ट की वजह से होना चाहिए, यानी कि कॉज बाय द प्रोजेक्ट होना चाहिए, चाहे वो इनफ्लो है या बस यार, लेकिन वो है किसकी वजह से, प्रोजेक्ट की वजह से तो रेलेवेंट। यानी कि caused by the project। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज की, फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं लेट्स से किसी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। देखिए ना, अगर एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की वजह से, एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की वजह से आपको कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी तो आप उसको कैसे इग्नोर कर सकते हो भाई, अजीब सी बात हो जाएगी। अगर हम किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं और उसकी वजह से हमें कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी तो ऑब्वियसली हमारे लिए क्या है रेलेवेंट है भाई। और हम सबको पता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है कि आप सेकेंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव के बेनिफिट क्या करते हैं, लूज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव होता है उसको ऑप्ट कर लेते हैं। भाई आपकी ऑलरेडी जॉब चल रही है, अब कहीं से ऑफर आएगी और ये नॉर्मली होता है, वो आपसे उन्होंने आपको रखना है ना, वो आप कहेंगे यार अपनी पुरानी सैलरी बता दो, ऑलरेडी क्या ले रहे हो सैलरी, आपने एक एक्स अमाउंट बता दिया। ज़्यादातर क्या होता है जो अमाउंट आपको मिल रहा था उससे 25% वो ऐड करेंगे, नई कंपनी आपको हायर कर लेगी। ये एक नॉर्मल कस्टम है आपके, ये 25% एक्स्ट्रा देंगे क्योंकि 5% एक्स्ट्रा देंगे, आप कहेंगे रहने दो यार 5% के लिए कंपनियाँ चेंज करता रहूँगा, फायदा नहीं है उसमें, इतनी अट्रैक्शन नहीं आती। तो इसका मतलब है यार, अच्छा सैलरी का प्रूफ लाजमी मांगते, तो फ्री नहीं चल रही। एक बंदे को हायर कर रहे हैं, कह रहे हैं 1 मिलियन मिल रहा है, बोला भाई क्या हो डाके मार रहा है क्या हमने तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का काम करवाना, बंदे थोड़ी ट्रेन करने, माफ करें। तो प्रूफ मांगेंगे तो मसला हो जाएगा, इसलिए प्रूफ मांगते हैं, 25% ऐड करते हैं, ठीक है। इट मीन्स उनको भी पता है जो ऑलरेडी सैलरी ले रहा है, अगर हमने उससे कम दी, लेकिन इसमें एक चीज का ख्याल रखना होता है, आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी, अब कहीं से ऑफर आई तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है और भाई आपकी जॉब ही नहीं है, अल्लाह माफ कर, अब क्या तफरीह कर रहे हो यार, अब तो गलत है ना, तो अब तो समझ से बाहर वाली बात। अब कौन सी अपॉर्चुनिटी और सर वो मेरा आराम, मेरा रेस्ट, उसकी भी तो एक वैल्यू है। तो बड़ा कब से वही तो चल रहा। तो भाई प्रोजेक्ट की वजह से अगर हम कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेयर करेंगे तो ऑफ कोर्स हम उसको क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। तीसरा पॉइंट और इम्पोर्टेंट, बाय डेफिनेशन मस्ट बी ए कैश फ्लो, लेकिन एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट टैक्स डेप्रिसिएशन। बाय डेफिनेशन उसे क्या होना चाहिए, कैश फ्लो होना चाहिए। अगर अब ये थोड़ी अल्लाह माफ करे, आप एनपीवी के सवाल में IS 37 के प्रोविजन उठा के ला रहे हो, क्या कर रहे हो भाई। चाहे इनफ्लो है या आउटफ्लो, बाय डेफिनेशन उसे क्या होना चाहिए, कैश फ्लो। एक्सेप्शन एक है जो कि टैक्स डेप्रिसिएशन। इस पॉइंट नंबर 3 पे 2 मार्क्स का कहीं और सवाल आ चुका है जो कि MFA से सिमिलर पेपर, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। हमने कहा भाई चाहे इनफ्लो हो आउटफ्लो, बाय डेफिनेशन क्या होना चाहिए, कैश फ्लो होना चाहिए। उसमें लेकिन एक चीज डाल दी हमने नहीं यार, एक्सेप्ट क्या, टैक्स डेप्रिसिएशन। अब सुनिएगा, टैक्स डेप्रिसिएशन इटसेल्फ कैश आउटफ्लो नहीं है। किसी को पैसे थोड़ी देगा रहा हूँ, टैक्स डेप्रिसिएशन इटसेल्फ कैश आउटफ्लो नहीं है, लेकिन फिर भी हम एनपीवी निकालते हुए उसको कंसीडर करेंगे। सवाल नहीं है भाई, ये तो अजीब सी बात होगी, खुद ही कह रहे हैं कैश फ्लो और फिर भी हम उसको कंसीडर कर रहे हैं। अब सुनना रीजन, बाय डेफिनेशन ये कैश आउटफ्लो नहीं है, कैश ही नहीं है भाई बाय डेफिनेशन। कंसीडर करने की सिर्फ एक रीजन है, ध्यान से सुनिएगा। हम टैक्स डेप्रिसिएशन को माइनस करके सही टैक्सेबल प्रॉफिट निकालेंगे ताकि उसके ऊपर हम टैक्स की पेमेंट कैलकुलेट कर सकें। अगर आप टैक्स डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करते तो आपका टैक्सेबल प्रॉफिट गलत हो जाएगा। हम सबको पता है टैक्स टैक्सेबल प्रॉफिट पे देना होता है और टैक्सेबल प्रॉफिट के लिए हमें टैक्स डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। अब पहले एक चीज समझनी है यहीं पर, ध्यान से प्लीज इसको अच्छे से समझिए। अस्यूम कर लेते हैं कि सेल है 200,000, वेरिएबल कॉस्ट ले रहा हूँ भाई 80,000, एडिशनल फिक्स कॉस्ट मान लो 20,000, टैक्स डेप्रिसिएशन 50। इसका मतलब टैक्सेबल प्रॉफिट आ जाएगा भाई 50,000 का टैक्सेबल प्रॉफिट आ जाएगा। ये चलो अज्यूम कर लेते हैं टैक्स का रेट 30%। तो टैक्स पेमेंट 15,000 आ जाएगी। अब सुनिएगा ध्यान, टैक्स डेप्रिसिएशन इटसेल्फ कैश आउटफ्लो नहीं है, स्टिल हम उसको कंसीडर करते हैं। उसकी वजह ये है टैक्स डेप्रिसिएशन की वजह से टैक्स सेव होता है। अब एक मिनट के लिए सोचें, अगर आप टैक्स डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करते आपका टैक्सेबल प्रॉफिट ज्यादा आता, टैक्स भी ज्यादा आता। अब मैंने टैक्स डेप्रिसिएशन माइनस किया है, मेरा टैक्सेबल प्रॉफिट कम है, टैक्स भी कम है। अब लेकिन अगला पॉइंट, इटसेल्फ तो टैक्स डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम भाई, इसका पर्पस एक है टैक्स डेप्रिसिएशन को कंसीडर करने का। इट सेव्स टैक्स, टैक्स सेव हो चुका है। अब प्लीज देखिएगा व्हाट आई एम डूइंग, एड बैक टैक्स डेप्रिसिएशन। अब जागते रहना, यहाँ मैंने टैक्स डेप्रिसिएशन को माइनस किया, यस, तो यहाँ क्या कर दिया, ऐड कर दिया। वो जो एक नॉन कैश आइटम लिया था उसका इम्पैक्ट मैंने कैंसिल आउट कर दिया, और उसको कंसीडर करने का मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक है, टैक्स सेव होना चाहिए, जो कि सेव हो चुका है अगर आप सोचें। क्योंकि अगर हम लोग ऐसे करते, अगर हम 200,000 लेते बेटा, वेरिएबल कॉस्ट 80 लेते और फिक्स कॉस्ट 20 लेते, और टैक्स डेप्रिसिएशन को लिफ्ट ही नहीं कराते, मान लो प्रॉफिट होता 1 लाख, इसका 30% लेते, आइडिया हो रहा है ऐसा क्यों कर रहे हैं। टैक्स डेप्रिसिएशन इटसेल्फ एक नॉन कैश आइटम है, पता है। अब सुनना, अगर मान लो एक ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है जहां किसी ने एनपीवी ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली है और उसने आपको ये कहा कि व्हाइल कैलकुलेटिंग एनपीवी आई हैव इग्नोर्ड टैक्स डेप्रिसिएशन, व्हाई, बिकॉज ये एक नॉन कैश आइटम। तो हम कहेंगे नहीं मान, इवन दो एक नॉन कैश आइटम है स्टिल उसको कंसीडर करना पड़ेगा, वो आपका टैक्सेबल प्रॉफिट कम करेगा, टैक्स सेव होगा। अगर आप उसको इग्नोर करके चलेंगे तो टैक्स ज्यादा आ जाएगा। अच्छा, इसमें ना एक चीज फर्स्ट टाइम में ही सीखी, वरना पता है क्या होता है, आप एग्जामिनर की ना के 10 सवाल है मान लो, 7 क्वेश्चन में उसकी प्रेजेंटेशन अलग होती है, वो एक आध बस अलग ही तफरी में चल रहा होता है, वो प्रेजेंटेशन बस वो चेंज करता है, बच्चा गया हमारा अजीब चल रहा होता है, यार ये क्या हो गया, मैं तो पिछले 7 क्वेश्चन में क्या हुआ था, बोला छोड़ो उसको सर, ये तो देखें बेटा, इसको तो कॉन्सेप्ट नहीं कहते ना, सवाल ऐसा होगा तो ये करेंगे, ऐसा होगा तो ये करेंगे, ये कौन से कॉन्सेप्ट है, ये तो बेटा समझ से बाहर। टैक्स पेमेंट तो होती है आउट, आप समझे, पहले आप टैक्स डेप्रिसिएशन ना तो इनफ्लो है ना आउट, तो कैश है ही नहीं, लेकिन जब हमें टैक्सेबल प्रॉफिट निकालना होता है, क्या निकालना होता है, तो हम टैक्स डेप्रिसिएशन को क्या करते, माइनस करते। IS 12 में भी क्या करते थे, अकाउंटिंग अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऐड बैक, टैक्स डेप्रिसिएशन लेस, यहाँ अकाउंटिंग तो है ही नहीं कुछ, तो टैक्स डेप्रिसिएशन को क्या कर दिया, लेस कर दिया, तो टैक्सेबल प्रॉफिट आ गया, कितना आ गया, 50। अच्छा भाई, अब ना यहाँ तक हम ऑलरेडी नेट ऑफ कर चुके, 50 आ गया, फिर टैक्स 50 पे निकाला, कितना आया, आ गया 15। टैक्स पेमेंट तो ऑफकोर्स आउट है ना, पे कर रहा हूँ, लेकिन फिर हमें ख्याल आया कि अरे ये जो 50,000 माइनस किया है तो एक नॉन कैश आइटम। अब यहाँ अगर माइनस किया नॉन कैश आइटम, तो यहाँ नॉन कैश आइटम को क्या कर दिया, ऐड बैक, तो इम्पैक्ट क्या हो गया, कैंसिल आउट, और टैक्स भी आपका जो बचना था वो बच चुका। यहाँ अगर आप 1 मिनट के लिए देखें, इसको अगर आप लिफ्ट ना करें तो टैक्स कितना आएगा, तो गलत हो जाएगा। आइडिया टैक्स डेप्रिसिएशन को एनपीवी कैलकुलेट करते हुए क्यों कंसीडर करना लाजमी है, कंसीडर करने का तरीका एक ही है, प्रेजेंटेशन कुछ ऐसी है कि टैक्स सेव हो जाता है, फिर हम उसको क्या करते हैं, ऐड बैक। अच्छा, अब एक चीज देखिएगा खाली, यहाँ पे मुझे बताएं नेट कैश फ्लो कितना है, 85 आएगा, यस। तो अब इसमें एक चीज बतानी है, प्लीज देखिएगा, एग्जामिनर क्या करता है, 6-7 सवाल ना इसी तरह सॉल्व करता है जो मैंने आपको बताया, एक आदमी बस को अचानक से कुछ होता है, सिर्फ प्रेजेंटेशन चेंज करता है और कुछ भी नहीं, और हम थोड़े अजीब हो जाते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। सेल्स कितनी है भाई, 200,000, ऐसे ही ना, आपने तो एक चीज सीख ली, पहले टैक्स डेप्रिसिएशन को माइनस करो, टैक्सेबल प्रॉफिट आएगा, टैक्स निकालो, ऐड बैक करो, ऐसे ही। मान लो एग्जामिनर ने क्या किया, देखिए उसने मतलब आठ सवाल उसी तरह से किए जो मैं और आप कर रहे थे। एक आदमी उसने क्या किया, उसने कहा सेल वेरिएबल कॉस्ट फिक्स हो, यहाँ देखें। उसके बाद कहा भाई टैक्स पेमेंट, क्या कहा वर्किंग बन। अच्छा भाई उसमें वो क्या कर रहे हैं देखते हैं, इन सबको नेट ऑफ करेंगे तो 1 लाख आएगा ना, यस सर। फिर उसने यहाँ से 50,000 माइनस किया टैक्स डेप्रिसिएशन। अब ये वर्किंग में चल रहा है, जागते रहें। ये 50,000 आ गया, टैक्स आएगा 15,000 आ गया। उसने ये 15,000 उठाया, यहाँ से माइनस कर दिया। बच्चा पागल, टकरे मार। सर इसने एड बैक ही नहीं किया, आपने तो एड बैक भी करवाया था। मतलब ये नहीं देख रहा कि इस 15 को भी माइनस करके क्या आ रहा है, ये इस पे ध्यान नहीं दे रहा, सिर्फ एक ही चीज पे लड़ रहा। सर आपने कहा था माइनस के बाद ऐड, उसने ऐड बैक ही नहीं किया। यार ये कैसे कॉन्सेप्ट होते हैं, इतने खतरनाक कॉन्सेप्ट है। कुछ यहाँ के 15,000 को लेके लड़ रहे होते हैं, कुछ इस पे लड़ रहा होता है। सर ये क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? ओ भाई तो वर्किंग हो रही है यार। और यहाँ से उसको सिर्फ क्या निकालनी थी, टैक्स पेमेंट निकाल ली। गरीब के बच्चे ने टैक्स पेमेंट, गलती हो गई उसकी। तो भाई इतने खतरनाक किस्म के सीए थोड़ी बनना है कि 2+2 जिस लाइन में लिखा है टीचर ने कहा यही होगा, जरा सा चेंज आपने कहा, ऐसा नहीं करना। तो प्रेजेंटेशन चेंज होने से खुदा के लिए कुछ नहीं होता। मेन चीज क्या है, आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो ना। उसने वर्किंग में एक्चुअली किया क्या, आप वो नहीं देख रहे। और ये छोटे लेवल पे नहीं, सब बड़े लेवल पे भी ऐसा होता। और मैं समझता था ये सिर्फ हमारे बच्चों के साथ मसला होता है, गोरे भी ऐसे, उनके साथ भी एक आध सवाल ऐसा आ जाए ना बड़े लेवल पे, सर व्हाट इज हैपनिंग हियर, पर हम उसको कहते हैं तू कॉल कर, ऐसे तो समझ में नहीं आया। तो मेरे ख्याल से बात थोड़ी सी क्लियर होगी अब कि भाई असल तो आपने कॉन्सेप्ट के ऊपर जाना है। उसने एक आध दफा टैक्स अलग से वर्किंग करके दिखा दी, वहां से टैक्स पेमेंट निकाल के डाल दी, वो थोड़ी अब वर्किंग में एड बैक करके दिखाएगा। क्लियर है भाई, जिस बात में आने की जरूरत नहीं है। आप बेटा किसको फॉलो करेंगे, पहली प्रेजेंटेशन जो हम कर रहे हैं, लेकिन आपको ऑल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन का आइडिया होना चाहिए ताकि आगे प्रॉब्लम्स ना हो। इसमें भी मैं एक और चीज भी कराना चाहता हूँ, वरना कुछ अलग खतरनाक सोच के मालिक भी होते हैं, वो ही बता देता हूँ, उसकी वजह बता देता हूँ, प्लीज देखिएगा। सेल्स 3 लाख, वेरिएबल कॉस्ट ले लेते हैं लेट से 80,000, फिक्स कॉस्ट 40, टैक्स डेप्रिसिएशन 40। टैक्सेबल प्रॉफिट कितना 140 है, कुछ और यस नो बता दें। टैक्स पेमेंट 42,000, और फिर आप सिंपली क्या कर दोगे, तो ये हमारी प्रेजेंटेशन। पहले माइनस किया ताकि क्या आ सके, टैक्सेबल प्रॉफिट आ सके, आ गया भाई 140। फिर आपने क्या निकाल लिया, टैक्स। फिर आप टैक्स डेप्रिसिएशन को सिंपली क्या कर दें, ऐड बैक कर दें। टैक्स डेप्रिसिएशन को क्या कर दें, ऐड बैक। बात क्लियर होगी, तो प्लीज इसी प्रेजेंटेशन में रहिएगा। अब एक चीज का आइडिया हो गया आपको, जो हम कहते हैं बाय डेफिनेशन चाहे इनफ्लो हो या होना कैश फ्लो चाहिए। एक्सेप्शन क्या है, टैक्स डेप्रिसिएशन। टैक्स डेप्रिसिएशन इटसेल्फ कैश फ्लो नहीं है, लेकिन भाई उसकी वजह से आपका टैक्स सेव होता है, इसलिए आप उसको इग्नोर नहीं करते। ये बात क्लियर होगी सबको, सेम चीज है। तो आप इसी को फॉलो करेंगे, किसी और चीज को फॉलो। कितना आ जाएगा भाई नेट कैश फ्लो, 138 या कुछ और, ये बताएं भाई। ऐसे ही थोड़ा आगे चलते। तो फोर्थ पॉइंट समझना यार, इसको भी बहुत अच्छे से समझना। इसमें भी अचानक से आई डोंट नो क्यों बुक के एरर के ऊपर भी बच्चा लड़ रहा हो। तो बुक ने एरर कर दिया, हमारा क्या कसूर है? प्लीज सुनिएगा। इनफैक्ट ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ना, 10% मैंने लिखा, 12 कुछ भी हो सकता है, इसका एक कंप्लीट चैप्टर है जो इंशाल्लाह आप पढ़ोगे। अब कॉन्सेप्ट क्या है ये सुनिए। असल में जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट होता है, जब डिस्काउंट रेट कैलकुलेट होता है, उसमें ऑलरेडी इंटरेस्ट का इम्पैक्ट होता है। उसमें मान लो ऑलरेडी डिविडेंड पेमेंट का इम्पैक्ट होता है। कैसे वो आप देख लोगे इंशाल्लाह। अब जिसके थ्रू मैं डिस्काउंटिंग कर रहा हूँ उसमें ऑलरेडी इंटरेस्ट का इम्पैक्ट आ गया, डिविडेंड पेमेंट का इम्पैक्ट आ गया। अब हम क्या नहीं कर सकते ये सुनिए। हम एनपीवी निकालते हुए इंटरेस्ट पेमेंट, डिविडेंड पेमेंट, रेलेवेंट कैश फ्लोस नहीं ले सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगी, क्योंकि इम्पैक्ट ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आ चुका। अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करें, अगर आपको कुछ याद थोड़ा, इवन जब आप IS 37 में डिस्काउंटिंग करते हैं ना, IS 37, तो आपको कहा जाता है यार प्री टैक्स डिस्काउंट रेट ले लो। और IS 37 को तरीके से पढ़े ना, तो IS 37 ये कहता है कि जो आपका डिस्काउंट रेट होता है, आपका जो डिस्काउंट रेट होता है उसमें बेसिकली दो बातें होनी चाहिए डिस्काउंट रेट में। एक तो उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी का इम्पैक्ट होना चाहिए। अब ये टाइम वैल्यू मनी का इम्पैक्ट आता है इंटरेस्ट से। अच्छा, मैं जो लोग अल्लाह माफ करें हलाल हराम के चक्कर में नहीं पड़ते, वो कहते हैं यार आज लोन देंगे कल को सेम पैसा वापस मिलेगा, तो प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में तो लॉस हो रहा है हमें। तो बेसिकली प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू का जो डिफरेंस है ना, टेक्निकली वो इंटरेस्ट ही होता है। प्रेजेंट और फ्यूचर के जो फर्क है वो है ही क्या? इंटरेस्ट। तो IS 37 ये कहता है एक तो उसके अंदर बेसिकली टाइम वैल्यू मनी का इम्पैक्ट होना चाहिए, और सेकंड स्पेसिफिक रिस्क टू एसेट भी होना चाहिए। स्पेसिफिक रिस्क टू एसेट भी होना चाहिए। लायबिलिटी है तो स्पेसिफिक रिस्क टू लायबिलिटी होना चाहिए, क्योंकि हर लायबिलिटी का रिस्क सेम नहीं होता। आपकी कंपनी पे किसी ने केस कर दिया, रिस्क कुछ और है, आप वारंटी दे रहे हैं, रिस्क कुछ और है। तो बेसिकली डिस्काउंट रेट के अंदर बस हल्का सा पॉइंट ये बताना है कि ऑलरेडी इंटरेस्ट का इम्पैक्ट है, डिविडेंड का इम्पैक्ट है, आपने क्या नहीं करना। इंटरेस्ट पेमेंट को और डिविडेंड पेमेंट को रेलेवेंट कैश फ्लो नहीं लेना। भाई क्यों नहीं लेना? इंशाल्लाह अगले चैप्टर में अपनी आंखों से खुद देख लेंगे। हाँ यार, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में इसका इम्पैक्ट आ रहा है। जिसके थ्रू डिस्काउंटिंग कर रहे हो उसमें ऑलरेडी उस पेमेंट का इम्पैक्ट है। आप मुझे बताएं, डिस्काउंटिंग करते हैं, आप बताओ इंटरेस्ट दोगे, डिविडेंड दोगे, कैश फ्लो बढ़ेंगे या कम होंगे? कम होंगे ना। तो डिस्काउंटिंग से कैश फ्लो बढ़ते हैं या कम होते हैं? कम होते हैं ना। जब डिस्काउंटिंग करते हो तब भी तो कैश फ्लो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। हम कौन सा फ्यूचर में जो अमाउंट आएगा उसको लेके फैसला करते हैं? हम टेक्निकली उस अमाउंट को पहले कम करते हैं। प्रेजेंट वैल्यू से अमाउंट बढ़ता नहीं है बल्कि कम होता है। मान लो एक साल के बाद जो 100 आना था उसकी एज्यूमिंग प्रेजेंट वैल्यू 80 आ रही है, तो हमने कहा 20 कहाँ चला गया? आपने कहा सर इंटरेस्ट भी देना है, डिविडेंड भी देना है, तो डिस्काउंटिंग में उसका इम्पैक्ट था, आंसर 80 आ रहा है। तो हम काम किस पे कर रहे हैं? 80 पे कर रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू का फर्क मैंने आपको बताया। नॉर्मली वो क्या होता है? इंटरेस्ट होता है। ये बात क्लियर हो रही? तो आप इंटरेस्ट पेमेंट को, डिविडेंड पेमेंट को, रेलेवेंट कैश फ्लो नहीं लेंगे। और भी सुनिएगा, मतलब एग्जामिनर ने तो नहीं, बेचारे ने, बुक वाले ने शायद एक दफा मिस प्रिंटिंग कर दी। आप जब किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाओगे, किसी प्रोजेक्ट में जब पैसा लगाओगे, जागते रहना, वही हो सकता है कहीं से लोन ले रहे हो आप, यस या नो? हो सकता है आप शेयर से शुगर के पैसा लाए, ऐसे ही है ना भाई। जब इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगी ना, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, बस वो इन्वेस्टमेंट ही आपका आउटफ्लो है। वो बेसिकली जो लोन लेकर आप, लोन लिया और पैसा आपके पास आया, खुदा के लिए उसको प्रोजेक्ट में इनफ्लो नहीं बताते हो, तो अजीब सी बात हो जाएगी। फिर तो पैसे ही नहीं लग रहे आपके, पैसे ही नहीं लग रहे ना यार। मतलब घर वालों ने आपको मान लो 1 लाख रुपए दिया, आपने 1 लाख का सेलफोन ले लिया, आपने कहा जी मेरा तो कुछ लगा ही नहीं, फ्री। बोला कैसे? बोला 1 लाख रुपया घर से मिला, इनफ्लो, 1 लाख का आउट। तो घर वाले आपको समझाएंगे तरीके से, ये चल गया रहा है, पैसे लगे। तो ये लोन की, जो लोन लेना है और लोन जो वापस करना है, इसका इम्पैक्ट भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आ जाता है। तो बेसिकली और आसान कर लेते हैं, ये जो फाइनेंसिंग वाली बात होती है ना, फाइनेंसिंग, प्रोजेक्ट फाइनेंस कैसे होगा और प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस को हम कैसे पे करेंगे, इन चीजों का इम्पैक्ट किस में आ रहा होता है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसलिए जो फाइनेंसिंग कैश फ्लोस हैं, उनको एनपीवी में हम क्या नहीं लेते, रेलेवेंट कैश फ्लो नहीं देते। भाई मैं लोन को इनफ्लो नहीं लूंगा, लोन की रीपेमेंट को आउटफ्लो नहीं लूंगा, वजह ये इंपैक्ट ऑलरेडी कहाँ आ चुका है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो प्लीज यहां देखिए, बेटा फाइनेंसिंग कैश फ्लोस आर नॉट कंसीडर्ड एज रेलिवेंट कैश। अब सवाल में एग्जामिनर ने अच्छा करता क्या, इस तरह के सवाल ना थोड़ा अलग ही दे देता है। सेंटर में आप कोई एक इन्फॉर्मेशन देगा, कंपनी लोन ले रही है, इतना इंटरेस्ट हर साल देना पड़ेगा, कंपनी लोन रीपे कर रही है। बच्चे ने कहा आ जाओ भाई, इतना कैटेगोरिकली बता रहा है, लोन ले रहे हैं, रीपे कर रहे हैं, लो इसको, उसी को तो नहीं लेना। तो भाई इसको नहीं लेते। आपकी पूरी आईकेएफ की बुक में बस एक सवाल में बेचारों से मिसप्रिंट हो गया, और वो मिसप्रिंट महंगा पड़ गया जी। फ्री ये बेटा, अभी एक चीज बताऊं मैं आपको, ये वो वाली बात है कि यार कैसे अंडे बनाए, लेकिन अंडा कोई भी, ऐसा कुछ होता है। चाय बन गई है बेहतरीन, दूध नाम की कोई चीज नहीं। तो जो आप कह रहे हैं ऐसा कोई कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सब आएगा जी, ये आगे आएगा बेटा, टेंशन ना लो। अभी सिर्फ रोटियां बनाने सिखा रहा हूँ, बिरयानी पे ना, रिलैक्स, सब बताएंगे किसकी बिरयानी कैसे बनी। वेट स्लोली एंड ग्रेजुअली। तो भाई ये प्लीज फाइनेंसिंग वाला पॉइंट याद रखिए यार, कभी भी यार बच्चे, मैं बड़े दिल से समझाता हूँ, फिर भी बच्चे पता नहीं क्यों, बहुत पहले हो चुका है मेरे साथ कि सिमिलर पेपर, इट हैपेंड इन एसीसी। मैं एडवांस पेपर दे रहा था, फाइनल बच्चे एफएम दे रहे थे, उनको मैंने पढ़ाया, मेरा पहला बैच, इतने तमीज से पढ़ाया था ना। पेपर अच्छा सेम डे पेपर था, पेपर के बाद सब लोग मिले, एक ने कहा सर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना इतना मुश्किल था, इतना मुश्किल था, मैंने कैलकुलेट ही नहीं किया। दूसरा सर मुश्किल था लेकिन मैंने कैलकुलेट कर लिया। मैं क्या बंदा बोल रहा, एग्जामिनेशन हॉल के बाहर ये बातें चल, नहीं लेना। ठीक है आगे चल, अगली चीज आपकी जो कमिटेड फिक्स कॉस्ट है, कौन सी? कमिटेड फिक्स कॉस्ट। ये रेलेवेंट है भाई, सवाल के कमिटेड फिक्स कॉस्ट क्या है और इररेलेवेंट क्यों है, प्लीज सुनिएगा। कमिटेड फिक्स कॉस्ट का मतलब है हम पास्ट में कमिटमेंट्स कर चुके हैं, पैसा प्रेजेंट में भी लगेगा फ्यूचर में भी लगेगा, लेकिन उसका ना आपके प्रोजेक्ट से कोई लिंक नहीं। एग्जाम्पल मान लो, फॉर एग्जाम्पल अ बिजनेस प्रीमिसेस विच इज ऑलरेडी ऑन रेंट। भाई एक बिजनेस प्रीमिसेस है, ऑलरेडी किस पे लिया हुआ आपने? रेंट पे लिया हुआ, सही? तो रेंट तो देना है ना आपने। अच्छा, प्रीमिसेस इज सो बिग कि एक नया एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहा है, नया प्रोजेक्ट भी उसमें एकोमोडेट हो सकता है। आप मुझे बताओ नया प्रोजेक्ट आप एकोमोडेट करें ना करें, रेंट की सेहत पे कोई फर्क पड़ेगा? तो देना ही देना, वो तो आपको पे करना ही करना। तो इसलिए कहते हैं हम यार कमिटेड फिक्स कॉस्ट क्या होती है, इररेलेवेंट होती है। वजह यार उसका प्रोजेक्ट के साथ कोई लिंक ही नहीं बनता। तो अगर आपके पास एक बिजनेस प्रीमिसेस है जो ऑलरेडी रेंट पर है और नया प्रोजेक्ट उसी में एकोमोडेट हो रहा है, अब अगर नया प्रोजेक्ट उसी में एकोमोडेट हो रहा है तो भाई कमिटेड फिक्स कॉस्ट हमारे लिए फिर क्या है, इररेलेवेंट। ये बात क्लियर होगी, क्योंकि आप नया प्रोजेक्ट लाएं या ना लाएं रेंट की शेयर पे फर्क नहीं पड़ेगा। मजीद इसमें हमने कहा था फॉर एग्जांपल तो भाई ये रेंट हमारे लिए क्या हो जाएगा, इररेलेवेंट हो जाएगा। अच्छा बेटा इसे देखिए, पास्ट कॉस्ट जिसे हम संक कॉस्ट कहते हैं, अगर हमारे जो पोटेंशियल चार्टेड अकाउंटेंट है उनको अगर ये पास्ट कॉस्ट और संक कॉस्ट को, इस कॉन्सेप्ट को अपनी जिंदगी में अप्लाई करना आ जाए, सवाल में आता है माशाल्लाह अप्लाई करना, लेकिन अपनी जिंदगी में अप्लाई करना आ जाए ना, आपकी जिंदगी अच्छी हो। सवालों में आप लोग बड़े आराम से अप्लाई करें, लेकिन जब आपकी रियल लाइफ की बात आती है आप ऐसे इस चीज को रेलेवेंट लेते हैं, बंदा परेशान हो जाता है। वो जो मर रहा था कि मुझे कॉन्सेप्ट दो भाई तुझे दिए तो है, लेकिन जब टाइम आया तेरी लाइफ का भाई तूने तो रेलेवेंट ले लिया उसको। एग्जाम्पल देता हूं, हम सबको पता है पास्ट कॉस्ट इररेलेवेंट, रिवर्टेड बैक नहीं, जो लग गया पास्ट में लग गया भाई, खत्म, कुछ नहीं हो सकता। हमारा बच्चा रेलेवेंट कैसे बनाता है? जब हम अपने बच्चों को कोई मशवरा देते हैं ना, बेटा देखो ये वाला कोर्स भी कर लो, ये भी कर लो, ये कर लो, पता है आगे से बच्चा क्या कहता है? सर पहले इतने लग चुके और लगा दो, वाह सही, वाह क्या डिसीजन लेने का तरीका। जैसे ही आपने कहा पहले ही इतने लग चुके हैं और सर आपने तो अपनी पास्ट कॉस्ट को क्या ले लिया, रेलेवेंट ले लिया। क्लास में कॉन्सेप्ट की बातें चल रही थी, लॉजिक्स की बातें चल रही थी और आपने कहा, तो भाई इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब आपका भी टाइम आया ना तो फिर इसको उस वक्त भी इररेलेवेंट माना करे, लेकिन हम नहीं मानते। प्लस फिर कुछ लोग और भी इसको अप्लाई करते, अब किसी इंसान से ना पास्ट में गलतियां होंगी, फैमिलीज भी पाकिस्तानी ऐसी होती है माशाल्लाह, उसको वही पुराने ताने दे दे के मार देते। वो गरीब का बच्चा बोल रहा होता है यार पास्ट कॉस्ट संक कॉस्ट इररेलेवेंट, बोला कौन सा इररेलेवेंट, वो उसको किसी ना किसी तरह से ना घुमा फिरा के रेलेवेंट बना दे। हालांकि ऐसा नहीं करना, और पास में किसी से गलती होगी इसका मतलब है तो ताने दे दे के मार दोगे उसको, तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ गया भाई। तो भाई अगर कोई गलती से आपको कोई अच्छा मशवरा दे दे, कम से कम उसको आगे से ये मत बोला करो पहले ही इतने लग चुके, तो बेटा अब जो डिसीजन होगा ना आपका गारंटीड गलत है, गारंटीड गलत है, 100% गलत होगा, वो सही हो ही नहीं सकता। क्योंकि आप तो क्या पांच को तो क्या लेके चल रहे, रेलिवेंट लेके चल रहे। नेवर डू दैट, नेवर मीन्स नेवर। फायदा होगा तो बेटा पास कॉस्ट सन कॉस्ट, फॉर एग्जांपल कोई R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो सुनिएगा प्रोजेक्ट के शुरू होने से पहले आपने कर लिए R&D बिफोर स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट, जो पैसे लग चुके हैं आप, वो इररिलेवेंट। हाँ ऐसा भी हो सकता है, प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट के बाद भी हो सकता है मुझे R&D करनी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट के बाद R&D पे पैसा लगेगा, रेलेवेंट। एग्जाम में कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट के बाद, इन्वेस्टमेंट से पहले जो पैसा लगा वो बेसिकली क्या है, इररिलेवेंट। ये बात क्लियर होगी। तो बेटा पास कॉस्ट संक कॉस्ट इसको तमीज से अप्लाई कीजिएगा प्लीज। अब से कोई भी आपको इस तरह की बात बोले, पहले से इतने लग चुके हैं, समझ जाए उसका कॉन्सेप्ट ठीक करें, उसका कॉन्सेप्ट ठीक करेंगे भाई, कॉन्सेप्ट ठीक कर लो वरना मसला होगा। और कुछ लोग ऐसे, कुछ बच्चे होते हैं, ज़्यादा बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं माशाल्लाह उनको फाइनेंशियली मसला नहीं होता लेकिन उनके ब्रेन में मसला होता है, वो कंजूस होते हैं। ये लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ते माजरत के साथ, क्यों? वो अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट ही नहीं करते। अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट मीन्स कोई स्किल सीखना, आगे बढ़ना हो, वो कहते हैं यार पैसे बचा लो। एजुकेशन वाली लाइफ में अगर आपने पेरेंट्स के 4-5 लाख रुपए बचा लिए उससे बैंक लोन नहीं बनेगा, लेकिन बहुत से बैंक लोन जो बन सकते थे वो रुक गए, ये जरूर हो जाए। व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन यू इन्वेस्ट एज मच एज यू कैन, उससे हमेशा फायदा होता है, नुकसान कभी नहीं होता। लेकिन जो बच्चे माजरत के साथ कंजूसी की तरफ चले जाते हैं बस वो अजीब खुशी में रहते हैं, यार 8,000 रुपये बचा ठीक है यार बचा ले यार। मैं इसलिए कहता हूँ यार इतने साल हो गए, इतने साल हो गए, लेकिन मैं आज भी, अल्लाह जानता है आज भी मुझे एक चीज़ का आज भी दुख होता है कि मैंने पूरी एजुकेशन की जर्नी में सिर्फ एक दफ़ा अपने दोस्त का मशवरा माना था। मैं आज तक रिग्रेट करता हूँ, मैंने 8,000 रुपये ही बचाए थे। मैंने यार ये तूने मेरे साथ क्या कर दिया, मुझे इतना मतलब आज तक दुख है। उस जालिम आदमी ने मेरे 8,000 रुपये तो बचाए लेकिन उसका जो नुकसान है अल्लाह माफ करे वो अलग ही। उसने अपनी तरफ से मशवरा, मेरे से गलती हुई, मैंने मशवरा दोस्त से ले लिया, नहीं लेना चाहिए, वो तो मेरा ही दोस्त था, वो थोड़ी लगाएगा पैसे। मैं यार छोड़ यार कर लेंगे ये वो कर लिए, लेकिन यार वो बात थोड़ी आती है, बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन उसके बाद अल्लाह का शुक्र है फिर मैं उल्टा चलता था, फिर मैं उससे मशवरा लेता था, वो जिस चीज़ का मना करता था वही काम करता था, यार यही करो तो खैर वापस आते। तो इसलिए बेटा आप मेक श्योर कि आप कंजूस हैं, इसका मतलब नहीं उल्टे सीधे पैसे लगा रहे हैं, घर पे पिट रहे हैं आप, वो नहीं कह रहे, एजुकेशन की बात है। अच्छा बेटा आगे चलते, फिक्स ओवरहेड। अच्छा बेटा आपके जो एग्जिस्टिंग फिक्स ओवरहेड्स हैं वो बेसिकली क्या है, इररिलेवेंट। क्यों इस पे बात करते हैं? एक मिनट दीजिए। अच्छा बेटा प्लीज सुनिएगा, जो हमारे एग्जिस्टिंग फिक्स ओवरहेड्स हैं, अब एग्जिस्टिंग फिक्स ओवरहेड्स इररिलेवेंट क्यों है प्लीज ये सुन लें भाई। कोई अगर आपसे गलती से पूछ ले कि एग्जिस्टिंग फिक्स ओवरहेड्स इररिलेवेंट क्यों होते हैं तो आपका आंसर होगा क्योंकि वो इंक्रीमेंटल नहीं होते। रिपीट, अगर कोई आपसे कह रहा है भाई एग्जिस्टिंग फिक्स ओवरहेड इररिलेवेंट क्यों है तो हम कहेंगे भाई एक ही वजह, दे आर नॉट इंक्रीमेंटल। ये तो एग्जिस्टिंग है, लगनी ही है, तो एग्जिस्टिंग फिक्स ओवरहेड्स को हम नहीं लेते, वजह क्या नहीं होते, इंक्रीमेंटल नहीं होते। अब सुनिएगा, एक काम जो अब तक एग्जामिनर ने नहीं किया लेकिन एग्जामिनर कर सकता है आपके टाइम, वो क्या, आपका एग्जामिनर एग्जिस्टिंग फिक्स ओवरहेड्स के लिए कोई जार्गन कह लें या टेक्निकल टर्म कह लें यूज कर सकते। तो व्हाट आर द पॉसिबल टर्म्स विच कैन बी यूज फॉर एग्जिस्टिंग फिक्स ओवरहेड्स। देखिए एग्जामिनर ना एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड का वर्ड यूज कर सकता है, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड, भाई एब्जॉर्ब एग्जिस्टिंग की बात हो रही और किसी की बात थोड़ी। एक और वर्ड भी यूज कर सकते हैं, एलोकेटेड ओवरहेड। एपोर्शन का वर्ड यूज कर सकता है, अप्लाइड का वर्ड यूज कर सकता है, और एक हमारा फेवरेट जो अब तक यूज नहीं किया, एबीसी एलोकेशन, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एलोकेशन। यार एक चीज तो बहुत तमीज से सबको पता है माशाल्लाह, चाहे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हो या एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, टोटल ओवरहेड सेम रहता है, वो तो चेंज नहीं होता ना भाई। सिर्फ एक ही मसला है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ओवरहेड्स की अनफेयर एलोकेशन करता है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन वालों के पास, बेचारों के पास दो ही तरीके हैं, या तो कहते हैं लेबर आवर से डिवाइड कर दो, या बेचारे मशीन आवर, या तो रेट आ जाता है जी पर लेबर आवर या पर मशीन आवर। अब जैसे ही आप रेट निकालते हैं पर लेबर आवर या पर मशीन आवर, इसका मतलब है जो पैसा लग रहा है वो लेबर आवर्स की वजह से लग रहा है, बाकी किसी ने इसका मतलब है ओवरहेड के अंदर कंट्रीब्यूट ही नहीं किया, यही इंटरप्रिटेशन हुई ना यार। तो वहाँ एबीसी स्टेप इन करता है, एबीसी कहता है नहीं यार जो ओवरहेड लग रहा है ना उसकी बहुत सी रीजन, व्हाई नॉट आप उन रीजन को आइडेंटिफाई करो और हर रीजन को, हर एक्टिविटी को सामने रख के एब्जॉर्प्शन रेट अलग अलग निकालो। वो लोग फिर एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवा देते हैं कॉस्ट ड्राइवर का, रीजन टू इनकर्ड द कॉस्ट या कॉस्ट टू इनकर्ड द कॉस्ट। और एबीसी वाला कहता है यार हम आपको ओवरहेड्स की फेयर एलोकेशन नहीं, अच्छा भाई आप फेयर एलोकेशन नहीं कुछ भी करें, ओवरहेड्स पे चेंज, और एलोकेशन हो किसकी रही है, एग्जिस्टिंग ओवरहेड। तो चाहे एबीसी लिखे कुछ भी लिखे, ये 5 पॉसिबल टर्म्स मैंने लिखी हैं, चेक कर लें आप, इनमें से कुछ भी आया है वो जो भी बोले है। अब काफी पहले एबीसी आया था, बहुत पहले नहीं, और यार इतना समझाने के बावजूद कुछ बच्चों ने रेलिवेंट नहीं दिया, नहीं सर आज रेलिवेंट, अबे कैसे हो गया आज रेलिवेंट यार, ये कोई अलग चीज चल रही, थर्सडे वाले दिन रेलिवेंट होगा, सैटरडे वाले दिन रेलिवेंट हो जाएगा, ये क्या चल। अब उसने लिखा क्या था ये बता दो, उसने कहा था एबीसी एलोकेशन इज 100 मिलियन इन द फर्स्ट ईयर, बच्चे ने कहा यार इररेलेवेंट, फिर आगे पढ़ा, उसने कहा इट विल राइज बाय 10% ओवर द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। अब बच्चा बिलक गया यार ये क्या भाई 100 मिलियन तो ठीक है, ये राइज बाय। अब राइज बाय जब उसने पढ़ा तो वो डायरेक्टली वहां पहुंच गया जो हमने यहाँ बताया था, चाहे इनफ्लो हो या आउटफ्लो हो, कॉज बाय द क्या होना चाहिए, प्रोजेक्ट। और जी घूम रहा है, एक जंग शुरू होगी, फिर रजिस्टर का याद आता था बोला इररेलेवेंट लिखवाया हो, पढ़ाकू बच्चों ने रेलेवेंट लिया, वो सीधा सीधा चलते थे, बोला यार टीचर ने बोल दिया दिमाग इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं, इररेलेवेंट इररेलेवेंट है भाई। एग्जामिनर से पूछो तो एग्जामिनर कहता है मैंने कहाँ बोला ड्यू टू द प्रोजेक्ट, मैंने तो बोला ओवर द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। क्या भाई ओवर द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट चीजें महंगी नहीं होंगी क्या, इनडायरेक्ट लेबर को उतने ही गरीब के बच्चे को जिंदगी भर पे करते रहोगे, इनडायरेक्ट मटेरियल हमेशा उतने का ही होगा, बोला मैंने तो नहीं लिखा ड्यू टू द प्रोजेक्ट, बच्चे का मसला। मैंने तो कहा था ओवर द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट, अब कर लो फटा, बताया था क्लास नहीं लेना एबीसी, लेकिन बच्चे ने ऐसे ही पढ़ा ना, राइज हो गया काम। लेकिन खुदा के लिए यही बढ़ते, ये नहीं वो गरीब का बच्चा बोल लो ये रेलेवेंट आवा है, ये नहीं हो सकता। टर्म्स याद कर ले, 5 पॉसिबल टर्म्स बताइए, सब में ए आ रहा है, चेक कर लो, ये याद रखने का तरीका, सब में ए आ रहा है, इतना ही है। टाइम है ना हमारे पास, कितने 15 मिनट बाकी हैं, 20 मिनट, ऐसा कैसे? नहीं बेटा टाइम चेक करने मेरे लिहाज से तो अभी आधा घंटा बाकी। ये वाकई टाइम हो गया। चले बेटा फिर आज फिर थोड़ा कम ही करना पड़ेगा, लेकिन आई होप थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि आज हमने कुछ पढ़ा, तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह पढ़ेंगे।